देश में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी पूरे जोर शोर के साथ अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। 25 मई को गुरुग्राम लोकसभा के 25 लाख के करीब मतदाता मतदान कर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे, जिसके लिए अब सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इसके लिए सभी प्रत्याशी अपने चुनावी दौरे कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनका कहना है कि गुरुग्राम में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह गाँव मीरपुर पहुँचे, जहाँ मीरपुर गाँव की सरपंच संजू यादव की अगुवाई में जनसभा रखी गयी थी। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। भीषण गर्मी के बावजूद भी यहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अभी तक 80% से ज्यादा गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र को कवर कर लिया गया है। दिन प्रतिदिन चुनाव उठता जा रहा है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। कम समय नहीं, इस बार हमारे को 70 दिन मिले और हमारे को कम से कम 50 दिन हो गए हैं लोगों से वोट मांगते हुए। तो या तो मैं गांव के अंदर खुद पहुंच पाया हूं या मोहल्लों के अंदर मेरी बहुत बेटी पहुंच पाई है। तकरीबन 80% हल्का हमने कवर कर लिया है और शुरू से अब तक रोजाना जो अंतर है वो यही है कि हमारा इलेक्शन रोजाना ऊपर और उठता जा रहा है। चुनौती तो नजर नहीं आ रही, जीती नजर आ रही है। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह रोजाना दर्जनों गाँव और शहरी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से फिल्म स्टार राज बब्बर और जेजेपी की तरफ से राहुल फाजिलपुरिया भी लगातार अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि जनता किसे सत्ता पर काबिज करती है और सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है। लेकिन फिलहाल 2024 की जंग दिलचस्प हो गई है।